লখনউয়ের শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও আপনাদের আপনারা জানিয়ে রাখি লখনউয়ের শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখছেন সেই ছবি শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে ঘেরাও করতে বাধা দেয় পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বিক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বিক্ষোভ দেখছেন সেই বিক্ষোভরত পদপ্রার্থীদের বিক্ষোভের ছবি দেখতে পাচ্ছেন এই নিয়ে কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি মনীশ তিওয়ারির সঙ্গে মনীশ শিক্ষামন্ত্রীকে ঘর কে সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন চল রহা অভ্যর্থীও কা 6800 চয়নিত অভ্যর্থী নিযুক্তি কি মাঙ্গ ক্যা জানকারি মিল রহি হ্যায় মনীশ जी जिस प्रकार से देखा जाए तो ये शिक्षक जो भर्ती का ये मामला है काफी समय से सामने देखने को मिलता रहता है और जिस प्रकार से सरकार के जो दावे थे कि इन सभी भर्तियों को जो है जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा जिसमें से 6800 शिक्षकों के लिए जो है नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया था लेकिन उसके बाद जो है फिर नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं तो किस इसी को लेकर के जो ये शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। आज फिर वो सुबह के वक्त जो है उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास पर पहुंच करके अपना विरोध जारी कर रहे थे। जब वो आगे की तरफ और भी बढ़े तब पुलिस के द्वारा जो उनको रोक लिया गया लेकिन कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार बनने से पहले चुनाव के समय 2022 में शुरुआती दौर में ये एक वादा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था कि सरकार बनने के बाद सभी लोगों की भर्तियां कर ली जाएंगी लेकिन अभी तक जो है 6 महीने का वक्त बीत चुका है और अभी तक इन भर्तियों की प्रक्रिया पूरी सरकार के द्वारा नहीं की गई। इसी को लेकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन अभी तक किसी प्रकार का निर्णय जो है सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कथा बोलछिलाम प्रतिनिधि मनीष तिवारी संगे लखनऊ शिक्षा मंत्री बारिश और विक्षोभ।